मांडर थाना क्षेत्र के गोरे करमटोली गांव में गोलगप्पे खाने से ही परिवार के 6 लोग के बीमार होने का मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया है। तीनों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। दूसरी ओर खुशनुमा परवीन, अफीफा परवीन और जाहिद अंसारी भी अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर सभी के स्वास्थ्य की जानकारी ली, चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर गंभीरता से अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। अभी हम लोग इस वक्त मांडर के कॉन्स्टेंट लेविंस हॉस्पिटल में है और ये इसकी सूचना मुझे कल ही मिली कि लगभग आपके 7 से 8 बच्चे लोग यहाँ पे और उनकी एक माँ भी है, वो यहाँ पे एडमिट हुई है और गंभीर फूड पॉइजनिंग का केस था। वो लोग जब आए थे तो हालत बहुत ही क्रिटिकल था। कल रात में मुझे इसकी सूचना मिली और आज सुबह मैं यहाँ पे पहुँची। अभी सब लोगों से मुलाकात भी हुआ, उनमें से कम लगभग 4 बच्चे अभी काफ़ी बेटर कंडीशन में है और एक बच्ची है जो अभी भी थोड़ा क्रिटिकल है, मगर उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और मुझे लगता है इस अस्पताल ने सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया है। जिस हालात में वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे उस हिसाब से कई गुना बेहतर है अभी और हम आशा करते हैं कि आने वाले दोपहर या शाम तक उनके स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा सुधार आए। और मैं अपने मांडर की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस मौसम में बाहर का खाना खाने से थोड़ा परहेज करें और ख़ास कि पानी पूरी जैसे चीज़ें हो गई, क्योंकि जाड़ा का भी मौसम है और इस तरह से चीज़ों को परहेज करना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि जो बच्ची अभी गंभीर है जल्द से जल्द उसका स्वास्थ्य में सुधार आए और किसी भी तरीके से मदद उन्हें हमारे तरफ से ज़रूरत होगी तो हम उनके परिवार के साथ हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।